हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आप देख रहे हैं साई शिखा व्लॉग। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं तो ठीक नहीं हूँ क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और एक हफ्ते से मैंने कोई भी शूट नहीं किया था। पुराने वीडियोस पे ही वॉइस ओवर दे के मैं काम चला रही थी। बट यही हुआ ना कि अगर यूट्यूब पे आना है तो आपको हर दिन रेगुलर वीडियोज़ डालनी पड़ेगी, वो भी अगर व्लॉगिंग करें तो व्लॉगिंग डालनी पड़ेगी। क्योंकि पता है क्या होता है, आप अगर वीडियोस आपने 2-3 दिन कंटिन्यूसली डाल दिया सो गाइस, तबीयत ख़राब होने के वजह से खांसी बहुत ज़्यादा हो गई है। और खांसी की मैं कोई दवा लेती नहीं हूँ। हाँ, थ्रोट इन्फेक्शन हुआ था और बुखार भी हो गया था मुझे, तो उसके लिए मैंने मेडिसिन ले लिया था क्योंकि ऑप्शन नहीं था मेरे पास। मैं मेडिसिन नहीं लेना चाहती थी बट कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो मैंने मेडिसिन ले लिया। बट उसके बाद से मुझे हो गई है खांसी, और वो भी खांसी ऐसे होती है ना कि पूरा मतलब सीने में दर्द होने लगता है, इतना तेज़ खांसी होता है। पर खांसी की मैं कोई दवा नहीं लेती हूँ, बट वो क्या करती हूँ मैं, अदरक और लौंग इलायची की चाय बना के मैं उसको पीती हूँ, उसी से मेरा रिलीफ मिलता है मुझे। तो एक हफ्ता हो गया था, कपड़े भी नहीं मैंने धोले थे, तो मैंने सोचा आज मशीन लगा देती हूँ। तो अभी मैंने मशीन लगा दिया है, कपड़े वहाँ धुल रहे हैं। उसके बाद नहाने से पहले उसको अच्छे से निकाल के सुखा दूँगी और फिर नहाने जाऊँगी। मैंने सोचा पहले आप लोग से बातें कर लेती हूँ। और हाँ, अगर आप मुझे सब्सक्राइब करते हैं तो प्लीज़ बेल आइकॉन भी प्रेस कर लिया करो, क्योंकि इससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी ना कि अगर मैं वीडियो डालती हूँ तो आप लोग को पता चल जाएगा कि मैंने वीडियो डाल दिया है। आप अगर बेल आइकॉन नहीं प्रेस करोगे तो पता भी नहीं चलेगा कि मैंने कौन सी वीडियो कब डाली है। तो मैं कोशिश यही करूँगी कि मैं अपनी व्लॉगिंग करती रहूँ। चलिए फिर। और मैं नहाने जा रही थी तो मैंने सोचा कि मैंने एक फेस वॉश मंगाया था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये कोई स्पॉन्सर नहीं है, बट मैंने जो मंगाई थी मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करना बनता है, तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या मंगाया था। सो गाइज, ये है वो फेस वॉश जो मैंने मंगाया है। तो ये ओले का फेस वॉश है और ये 7-in-1 है। तो और ये एंटी एजिंग भी है। तो अगर आप अर्ली 30 में हो या फिर 30+ में हो ना, तो प्लीज़ आप लोग यही कोशिश करो ना कि एंटी एजिंग का ही क्रीम लगाओ या फिर फेस वॉश यूज़ करो, क्योंकि इसको ट्राई करना तो बनता है। और इसके बेनिफिट्स इसमें दिया है ना कि ये 7 बेनिफिट्स आपको एक ही फेस वॉश में मिल जाते हैं। तो ये आपको 7 बेनिफिट्स ऐसे हैं ना, मैं आपको बताती हूँ कि इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेगा और आप यूज़ कर सकते हो। इतना महंगा भी नहीं है। इसकी प्राइस क्या है, 269। तो अगर आप ऑनलाइन लेते हो तो आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल जाते हैं। आप देख सकते हो इसकी प्राइस, ये है 269, ठीक है। और बेनिफिट्स मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, ये इसके 7 बेनिफिट्स आपको एक ही फेस वॉश में मिल जाते हैं। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो आप लोग ज़रूर मंगाना, मैंने तो मंगाया अपने लिए। और मैं कोई इसका प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मुझे कोई पैसे नहीं मिले जो प्रमोट करूँगी इसको। तो बट अगर कोई चीज़ अच्छी होती है तो मैं सोचती हूँ अपने व्यूअर्स को मतलब शेयर करना तो बनता है। कि व्लॉगिंग तो यही होती है ना कि अगर आप कुछ बेनिफिट्स किसी चीज़ से कमाओ तो अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहिए। तो गाइस, कैसा लगा आपको ये फेस वॉश नया वाला? तो मैंने मंगाया था तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बताना तो बनता है, क्योंकि अगर कुछ कोई चीज़ों का बेनिफिट्स अगर मैं ले रही हूँ तो मैं अपने व्यूअर्स को ना बताऊँ, ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। मैं हमेशा यही कोशिश करूँगी कि जिस चीज़ से मैं बेनिफिट्स ले रही हूँ, चाहे कुछ खाना बनाने में अगर मुझे कुछ आ रहा है तो वो भी मैं आपको बताऊँगी, मैं कुछ ग्रॉसरी शॉपिंग कर रही हूँ जहाँ पे मुझे कुछ बेनिफिट्स मिले वो भी मैं आपको बताऊँगी। और सबसे पहली बात कि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं था, तो बिगनर्स को कोई देता नहीं ऐसे। हाँ, अगर आप मतलब आपके सब्सक्राइबर अच्छे खासे हो जाते हैं तो उन लोगों को स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, और अगर इंटरेस्टेड होते हैं तभी। अगर मुझे एफिलिएट में कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है तो फिर वो लोग क्यों स्पॉन्सर करेंगे? ये तो मेरी अपनी चॉइस है ना कि मुझे स्पॉन्सर लेना है कि नहीं लेना है, तो वो तो बात की बात देखेंगे। अभी अगर मैं कोई चीज़ मंगाती हूँ और मुझे अगर अच्छी लगती है तो मैं आप लोग से ज़रूर शेयर किया करूँगी। और अगर खाना बनाने में भी कुछ अगर मुझे अच्छा लगेगा तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी, और कोई DIY भी करूँगी तो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। पहले चीज़ तो मुझसे बोला नहीं जा रहा है, इतना मेरे सीने में दर्द हो रहा है ना। मतलब अगर आपको फीवर होता है ना तो फीवर फिर भी टॉलरेट आप कर सकते हो,
सर्दी जुकाम ये तो ऐसे होता है कि लाइक नाक पकड़ के दिन रात बैठे रहो बैठे रहो बैठे। मेरी नोज़ रनिंग तो अब थोड़ी बंद हुई है, बट थ्रोट का भी है बहुत ज़्यादा, और ये पिंपल भी निकल गए हैं, एक दो और निकले थे, यहाँ देख सकते हैं पिंपल। तो गाइस मैं आप जा रही हूँ नहाने, मैं आप लोग से मिलती हूँ नहा करके, तो फिर उसके बाद बातें करेंगे। और प्लीज़ और क्या कुछ नहीं, चलो फिर मैं नहा के मिलती हूँ आप लोग से बाद में, ठीक है, तब तक के लिए बाय। सो गाइस आप देख रहे हैं यहाँ पे कि मैंने कपड़े लगा रखे थे धोने के लिए पहले ही, तो यहाँ पे आधे कपड़े धुल चुके थे और आधे धुल रहे थे, तो मैंने सोचा जो कपड़े धुल गए उनको धूप में डाल देती हूँ। धूप तो नहीं होती अभी क्योंकि दिल्ली का मौसम आप लोगों को सबको पता है कि कैसी धूप हो रही है आजकल, आजकल बस हवा चल रही है उसी से कपड़े सूख रहे हैं, धूप में तो कुछ भी नहीं, जैसे धूप निकलती है तुरंत धूप चली भी जाती है। तो मैंने सोचा कि जो कपड़े धुल गए उनको फैला के तब नहाने जाऊँगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कपड़े मैंने डाले हैं ना ये कलरफुल कपड़े हैं, बट एक दूसरे पर कोई भी कलर नहीं छोड़ते हैं, ये घर वाले मेरे कपड़े हैं, तो इनको एक साथ में धो लेती हूँ और बचेंगे बस दो बेडशीट और बचेगा, उनको लास्ट में डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैं कपड़े धोती हूँ फिर मैं नहाने जाऊँगी। तो गाइस मैं अब जा रही हूँ नहाने और मैं सोचा थोड़ा सा काम कर लेती हूँ क्योंकि बाल ऐसे उलझ जा रहे हैं ना। जुकाम और फीवर होने की वजह से ना हालत ऐसी हो रही है, आप ये देखिए मेरे कितने भी दिन बाल कह रहे हैं मेरे, सब इकट्ठा करूँगी।
सो आप देख सकते हैं कि अभी मैं आ गई हूँ किचन में और मैंने नहा लिया है। तो नहाने के वजह से मुझे लगती है भूख, तो नहाने के वजह से मैं तुरंत खाती हूँ, उसके बाद चाय पीती हूँ। बट अभी चाय नहीं पीऊँगी क्योंकि मैं आज लंच में लिया मैंने चिकन, तो चिकन के बाद तुरंत बाद चाय नहीं पीना चाहिए। तो यहाँ पे मैं अपने लिए गर्म रोटियाँ सेक रही हूँ और चिकन को थोड़ा सा उसकी ग्रेवी थिक कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं लंच करके आप लोग से मिलती हूँ थोड़ी देर में, तब तक आप लोग भी अपने अपने काम निपटा लो फटाफट। चलो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से। मेरा हो गया है और अभी शाम के हो रहे हैं 4:30-5 बज रहे हैं। तो मैं खाली ऐसे बैठी थी तो मैंने सोचा कि जब खाली ऐसे बैठी हूँ तो कम से कम वैक्सिंग कर लेती हूँ। तो अभी वैक्स गर्म कर रही हूँ और आप लोग भी सोच रहे हैं कहाँ बैठी हूँ। एक्चुअली पावर पॉइंट यहीं पे नीचे ही है तो इसको नीचे लगा रखा है और नीचे बैठ के काम कर रही हूँ अपना। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे क्या कर रही हूँ। तो आप लोग ये देखिए यहाँ पे ये वैक्स गर्म हो रहा है। तो सबसे पहले तो मुझे अपने अपर लिप को निकालना है जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया। Thank you.
सो गाइस अब देख रहे हैं कि अब ऑलमोस्ट पूरे के पूरे बाल निकल चुके हैं, वो छोटे मोटे बाल इधर रह गए थे क्योंकि मैंने यहाँ वाला, यहाँ सेंटर वाला सेंटर में निकालना था, बट सेंटर एंड लेफ्ट का एक ही साथ मैंने सोचा कि निकाल लेंगे, बट निकल नहीं पाया। मैं उसको अभी करती हूँ उसको जुगाड़, बस एक बार लगाऊंगी निकाल लूँगी फिर। ये देखिए जुकाम के चक्कर में नाकों की हालत देखिए, मेरे दोनों साइड से ऐसे वाइट वाइट सा बन वो हो गया है। सो गाइज़ अभी सारे काम हो चुके हैं और अभी हो गई है रात के 9 बज रहे हैं, तो मैंने सोचा कि अपनी वीडियो को एंड अभी कर देती हूँ ताकि एडिटिंग में मुझे थोड़ा टाइम भी मिल जाएगा और उसके बाद घर का खाना भी बनाना होगा ना। तो गाइज़ मैं, अगर मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी तो मैं व्लॉगिंग करना तो नहीं छोड़ सकती ना। अगर मैंने स्टार्ट कर दिया व्लॉग करना तो मुझे हर दिन व्लॉग करना चाहिए, अब 5-5 दिन छोड़ के तो व्लॉगिंग नहीं होती है ना। तो प्लीज़ अगर मेरे इस आवाज़ से अगर आप लोग को प्रॉब्लम हो रही होगी तो प्लीज़ आप लोग टॉलरेट कर लीजिएगा इस चीज़ को और अपना सपोर्ट दीजिएगा, प्रे करिए कि मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊँ। मैं सोच रही हूँ कि अपनी वीडियो की एंड अभी कर देती हूँ, अभी रात के 9 बज रहे हैं और अगर अभी एंड करूँगी तो 2-3 घंटे में खाना भी बनाना है मुझे, एडिटिंग भी करनी है, तब तक इनके आने का भी टाइम हो जाएगा। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बाय।